हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल राखीज़ वर्ल्ड। और आप सोच रहे होंगे कि मैं आज क्या दिखा रही हूँ, ये किस चीज़ की वीडियो है। और आज ये वीडियो आप लोगों के लिए मैंने बनाई है, थैंक यू बोलने के लिए कि आप लोगों के सपोर्ट से आज इस चैनल को पूरे 2 साल हो चुके हैं। और ये सारी यादें हैं, ये सारी रेसिपीज़ हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी और आपने भरपूर मुझे उसका प्यार दिया और मुझे सपोर्ट किया कि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं और आप लोगों को दिखाऊं। और ये है मेरी सारी पुरानी वीडियोस और रेसिपीज़ की, और मैंने जो व्लॉग्स बनाए उसकी भी, जिसके सपोर्ट से मुझे पिछले साल 1 साल हो गए थे और ये मैंने सेलिब्रेट किया था आप लोगों के साथ। तो आज मैं कैसे भूल सकती हूँ, आप लोगों को कैसे छोड़ सकती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी यादें शेयर कर रही हूँ अपने चैनल की, और कुछ और वीडियो भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत इंटरेस्टिंग। तो प्लीज़ फुल वीडियो वॉच करना ना भूलिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं मेरी इन वीडियोस की तरफ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई रेसिपी, क्योंकि मैंने रेसिपीज़ से ही अपने चैनल की शुरुआत की थी। और आज मैं आपको एक नए अंदाज़ में बनाना सिखाऊंगी शिमला मिर्च पनीर, जिसके लिए हमें सबसे पहले हम प्याज को काटेंगे और छोटा छोटा प्याज काटेंगे। और ये बहुत ही इजी रेसिपी है और मैं अक्सर इसे बनाती हूँ, और ये बहुत ही आसान है। घर में कोई पार्टी हो या कोई भी छोटा सा गेट टुगेदर हो, अगर आप ये रेसिपी बनाएंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये रेसिपी। और इसके बाद मैंने काटा टमाटर, मैंने टमाटर को छोटा छोटा काटा है। और टमाटर काटने के बाद मैं शिमला मिर्च काटूंगी, और ये शिमला मिर्च मैं अब काट रही हूँ। मैंने यहाँ पे आधी किलो पनीर लिया है, तो उसके लिए मैंने एक बड़ी 2 शिमला मिर्च ली थी मीडियम साइज़ की, और टमाटर भी मैंने 2 लिए थे, और प्याज और 3 से 4 आप प्याज इसमें ले सकते हैं। और एक तरफ मैंने कढ़ाई में तेल डाल के तेल गरम करने के लिए रख दिया है, और इसके साथ मैं अब इसमें डालूंगी सबसे पहले प्याज। और प्याज डालने के बाद जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे प्याज, उसके बाद मैं इसके अंदर टमाटर डालूँगी। प्याज गोल्डन ब्राउन होते ही मैंने इसमें टमाटर डाल दिए बारीक कटे हुए, और इसी के साथ मैं मसाले डालूंगी। और मसालों में मैं कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगी 1 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून में डालूंगी लाल मिर्ची पाउडर, और हम नमक मैं डालूंगी स्वाद अनुसार, जितना आप लोग ज़्यादा, कुछ लोग खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल लीजिए। और इसके साथ मैंने डाला है 2 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, और सारे मसालों को मैं अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। और ये सब काम मैंने गैस को फुल पे रख के ही किया था। और टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं मसाले के साथ, और अब मैं इसमें डाल दूँगी शिमला मिर्च जो मैंने काट के रखी हुई है, और शिमला मिर्च को अच्छे से मैं इसमें मिक्स कर दूँगी मसाले में, और इसे ढक करके रख दूँगी मैं 10 से 15 मिनट के लिए। और दूसरी तरफ मैंने पनीर की टुकड़ियाँ काट ली हैं, और 10 मिनट के बाद ये देखिए हमारी ग्रेवी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और आगे आने वाला है ट्विस्ट, जी हाँ, और इस ट्विस्ट को ज़रूर देखिएगा। या मैंने नॉनस्टिक पैन में देसी घी लिया है,
और 2 टीस्पून मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है देसी घी में। इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी घी के अंदर। आप ऑयल या बटर भी यूज़ कर सकते हैं। और सारी पनीर की टुकड़ियाँ मैंने उसमें डाल दी हैं और अच्छे से मैं इसको हिला रही हूँ बिना कोई कड़छी के। ऐसे ही टॉस करना है इसे कि ये सारा मसाला कश्मीरी लाल मिर्च का इस पर रंग चढ़ जाए अच्छे से पनीर के ऊपर। और ये देखिए रंग चढ़ना शुरू हो गया है पनीर के ऊपर। और इससे हमारी जो सब्ज़ी है वो अगर आप जब भी खाएं तो पनीर उसमें आपको एकदम वैसा ही रहेगा जैसे आपने ताज़ा ताज़ा बनाई हो। पनीर सॉफ्ट होके टूटेगा नहीं। और इसमें मैं अब थोड़ा सा पानी डालूंगी और इसे थोड़ी देर के लिए ढक कर के रख दूंगी। और दूसरी तरफ पार्टी की भी तैयारी तो करनी है ना, तो चलिए पार्टी की तैयारी करते हैं और इसे ढक कर के रख देते हैं 5-10 मिनट के लिए। और दूसरी तरफ मैं दिखाती हूँ मैं और क्या क्या कर रही हूँ आज। और मैंने यहाँ पे केक की तैयारी करी है और मैं केक बना रही हूँ, एगलेस केक। इसकी रेसिपी मैंने आपको अपने चैनल पे शेयर करी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। और ये केक हमारा बेक होने के लिए चला गया है, बड़ा हाट और छोटा हाट। और देखते हैं सब्ज़ी के क्या हाल हैं। और सब्ज़ी हमारी बन चुकी है, ये देखिए। आप इसे ऐसे ड्राई भी खा सकते हैं, ये एज अ स्नैक्स की तरह भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए कितनी कितनी यमी और टेस्टी लग रही है। और ये सच में बहुत ही ज़्यादा यमी बनी है क्योंकि मुझे देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। चलिए आप लोगों को ट्राई करवाती हूँ। और ये लीजिए, आप लोगों ने मुझे मेरा बहुत सपोर्ट किया है, 2 साल आपने बहुत साथ दिया है और आगे भी मैं आपके लिए नई नई चीज़ें बनाती रहूँगी। और ये बाइट सबसे पहले आपको जाती है। और अब केक को देखते हैं कि कैसा बना है। बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है, ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा। और इसे भी आप ट्राई करके देखिएगा ज़रूर घर में। और अब है सेलिब्रेशन टाइम और 2nd एनिवर्सरी है मेरे चैनल की, तो चलिए मैं आप लोगों के साथ केक कटिंग करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सो मच ऑफ लव एंड सपोर्ट। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।